कस्टमर को अगर फायदा होता रहेगा तो वो मना थोड़ी करेगा। मुझे जबरदस्ती अभी भी बोल रहे हैं कि तुमको डिस्काउंट का बोर्ड हटाना पड़ेगा। डिस्काउंट क्या मिलेगा, कस्टमर वहीं से लेगा दवाई, दवाई आज कोई सस्ती तो है नहीं। कि मैं बना नहीं है तो वो बोले कि तुमको बनना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको मुमरा में कोई माल नहीं देगा। अगर प्रेशर में आके मैंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज की है। रहीस तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के रशीद कंपाउंड में और आपको बता दें कि आज सुबह से ही मुमरा कौसा के मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से तमाम मेडिकल स्टोर जो है वो बंद किए गए हैं। दरअसल बंद करने की वजह जो है, इस तरह से जो मेडिकल पर आप दवा लेने जाते हैं तो आपको 15% का जो है डिस्काउंट दिया जाता है। इधर आप देखेंगे जेनरिक मेडिसिन है उस पर 30% से 90% तक जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह के मेडिकल के सामने जो बोर्ड लगाए गए हैं डिस्काउंट को लेकर, तो इस पर एसोसिएशन की तरफ से एतराज़ जताया गया है और कई मेडिकल के जो मालिक हैं उन लोगों ने भी एतराज़ जताया है कि ऐसा बोर्ड ना लगाया जाए, क्योंकि जो लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं तो उनके यहाँ पर कस्टमर नहीं जाते और कस्टमर जहाँ डिस्काउंट पाते हैं वहाँ पर वो दवा लेने के लिए जाते हैं। इस समय रशीद कंपाउंड के समर्थ मेडिकल स्टोर पर हम मौजूद हैं और बात करेंगे जो इसके ऑनर हैं मेडिकल के। क्या नाम है आपका? आशीष पाटिल। जिस तरह से डिस्काउंट को लेकर बात सामने आ रही है, तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद है, तो आपने क्यों नहीं मेडिकल स्टोर बंद किया है? मुझे डिस्काउंट से कोई ये नहीं है। मैंने मेरे हिसाब से जो है बिज़नेस करने का है, मैं मेरे हिसाब से कम मार्जिन में बिज़नेस कर रहा हूँ। और रही बात डिस्काउंट की, तो मैं सबके खिलाफ ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ। जो सब जगह चल रहा है उतना ही मैं दे रहा हूँ। खाली मैं एक एडवर्टाइजिंग के हिसाब से बोर्ड लगाया हुआ है और वो बोर्ड को लेके सब लोग का बोलना है कि तुमने बोर्ड हटाना चाहिए। और रही बात समी शेख जो अध्यक्ष कह रहे करके एसोसिएशन के, तो वो मुझे ज़बरदस्ती बोल रहे कि तुमको हम लोग के एसोसिएशन में मेंबर बनना पड़ेगा, जो मुझे नहीं बनने गए। बाकायदा मुझे यहाँ से कोई भी मुमरा एसोसिएशन में से बनना पड़ेगा। मतलब क्या, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है? हाँ, ज़ोर ज़बरदस्ती, मतलब उनको बोलना है कि मैं बना नहीं है तो वो बोले कि तुमको बनना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको मुमरा में कोई माल नहीं देगा करके। तो मुझे मुमरा में अभी कोई भी माल नहीं दे रहा है करके। तो कल भी मेरे पास आके गए थे, मेरे पास CCTV फुटेज है उसके, कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। 50-60 लोग सब साथ में लेके आए थे और मुझे मजबूरन बोल रहे थे कि तुमको बनना ही पड़ेगा। मैं प्रेशर में आके मैंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज किया है। किस बात को लेकर आपने पुलिस में कंप्लेन कराई है, क्या हुआ था? बोल रहे थे कि अगर डिस्काउंट का बोर्ड तुम नहीं हटाओगे तो हम लोग हटाएंगे। उनका ऐसा ज़बरदस्ती था कि तुम नहीं हटाओगे तो हम लोग हटाएंगे, और मुझे वो बोर्ड हटाना नहीं था। और वैसा भी कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि डिस्काउंट का बोर्ड लगाना ये नहीं है, मतलब कोई लगाया नहीं लगाया जाएगा करके। लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती अभी भी बोल रहे कि तुमको डिस्काउंट का बोर्ड हटाना पड़ेगा और मेंबर बनना ही पड़ेगा करके। और आज उन्होंने स्ट्राइक किया है मेरे अगेंस्ट कि हम लोग सब बंद रखेंगे, तुम्हारा अकेले का मेडिकल चालू रहेगा करके। अच्छा, उन्होंने एक बाइट के दौरान ये भी कहा है कि एक न्यू जेनरिको मेडिकल स्टोर था, तो वो बंद करके आप जो है फिर समर्थ मेडिकल स्टोर खोला गया, क्या पूरा मामला है ये? पहली बात तो नूर जेनरिको मेडिको जो है उसका मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आज के 2 साल पहले कुछ मैंने सुनने में आया कि 2 साल पहले वो मेडिकल बंद हो चुका है, जब मैं यहाँ पे मुमरा में था ही नहीं। मेरा मेडिकल अभी 18 मई को ओपन हुआ है और वो मेडिकल का और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। वो मैं जानकारी निकाला तो उसमें मुझे ये मालूम मुद्दा निकला कि वो मेडिकल का ओनर, मेरे पास कुछ पेपर्स आए हाथ में। एक मिनट, उनका ऐसा कहना है इंटरव्यू में, उन्होंने ये कहा है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है उनका बकाया भी कुछ लाखों रुपये बकाया, ऐसा भी बताया जा रहा है। वो बकाया मुझे मालूम है, नूर जेनरिको मेडिकल ये मेरे लिए नाम ही नया है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता वो चीज़ को लेकर कि उनका कुछ बाकी बकाया है करके, क्योंकि मैं वो नाम ही आज पहली बार सुन रहा हूँ। और वो बार बार वो नाम को लेके मेरा दुकान से रिलेशन जोड़ के ज़बरदस्ती मेरा दुकान का नाम ख़राब करना चाहते हैं। और मैं कोई भी तरह का कोई कमाने के लिए आया है या बहुत सारा पैसा कमाने के हिसाब से आया नहीं है। मैं खाली एक कस्टमर लोग को और गौर गरीब जनता को खाली सेवा करने के हिसाब से आया हूँ। मैं कम मार्जिन में भी मैं खुश हूँ। अच्छा, आप 15% डिस्काउंट दे रहे हैं और जो जेनरिक दवा है उस पर 30-90% का डिस्काउंट है, तो और एसोसिएशन के लोग जो है डिस्काउंट के खिलाफ आज बंद करके रखे हैं, तो जो आते हैं यहाँ पर कस्टमर उनके तरफ से क्या मांग रहता है डिस्काउंट को लेकर?
कस्टमर तो मेरे डिस्काउंट के साथ सेटिस्फाई है। कोई अभी मेरे पास सामने कस्टमर आए हुए हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं कि डिस्काउंट के लेके कोई मतलब आपको कोई तकलीफ है क्या करके। वो तो मेरे कस्टमर, मेरे सर्विस के हिसाब से सब लोग मेरे साथ में ही जुड़े हुए हैं। और हर पब्लिक मतलब जो आम जनता है जो मुझे बोल रही है कि तो आप जो कर रहे हो अच्छा काम कर रहे करके, कोई उसके अगेंस्ट नहीं है। आम जनता मेरे साथ अभी भी है। कुछ यहाँ पर लोग दवा खरीदने के लिए भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम असलम सैयद है। जिस तरह से आज आप देख रहे होंगे तमाम मेडिकल स्टोर्स जो है वो बंद है, डिस्काउंट को लेकर के मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाते हैं आप तो आपको 15% 10% जो डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये डिस्काउंट उन लोगों का कहना है कि ये ना दिया जाए, आपका क्या कहना है? कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा तो मना तो करेगा नहीं। वो कस्टमर को तो जितना डिस्काउंट जहाँ से मिलेगा, और ये बिना भी तो लोग कमा के तो दे नहीं रहे ना। डिस्काउंट जहाँ मिलेगा कस्टमर वहीं से लेगा दवाई। दवाई आज कोई सस्ती तो है नहीं। 100-150-200 रुपये में अगर उसको 15-20% डिस्काउंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आदमी तो वहाँ जाकर लेगा ही, खरीदेगा ही ना। मिलना चाहिए डिस्काउंट, मिलना ही चाहिए ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए डिस्काउंट? क्यों नहीं चाहिए? कस्टमर को अगर फ़ायदा होता रहेगा तो वो मना थोड़ी करेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो कस्टमर है दवा लेने के लिए आ रहे हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि जो लोग दवा खरीदने के लिए आते हैं उन्हें डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। और यही होता भी है कि जहां पर कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है उसी मेडिकल स्टोर पर जो है वो दवा लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, हर कोई डिस्काउंट ढूंढ रहा है, और डिस्काउंट मिलने के बाद जो है उस वहीं से ही दवा खरीदी जाती है। लेकिन मुंब्रा शहर में आज सुबह से ही डिस्काउंट को लेकर और मेडिकल स्टोर के सामने जो डिस्काउंट जितना परसेंट दिया जा रहा है उसका जो बोर्ड लगाया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है कई मेडिकल स्टोर जो है आज बंद है। उनका ऐसा कहना है कि ये डिस्काउंट जो है बंद किया जाए या फिर 10% डिस्काउंट दिया जाए, ऐसा उनमें अभी जो है बातचीत मीटिंग जारी है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, आज कई मेडिकल स्टोर जो एसोसिएशन में नहीं है वो अपने मेडिकल स्टोर खोल के रखे हैं और डिस्काउंट के साथ ही दवा भी दे रहे हैं।